आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैगन आर के बेस मॉडल का बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन। ओवरऑल इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें लगा रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, एंड्रॉइड प्ले लगा रहे हैं, सेंट्रल लॉकिंग लगा रहे हैं। जैसे आपको पता है बेस वेरिएंट के अंदर कुछ भी लग के नहीं आता, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, समझाऊंगा क्या क्या चीजें इसके अंदर लगा रहे हैं, क्या ब्रांड्स हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी यूज कर रहे हैं, कोई वायर कटिंग नहीं कर रहे, इस चीज की आपको बहुत बढ़िया डिटेल दिखाऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बेस वेरिएंट गाड़ी आज हमारे पास वैगन आर की तैयार होने के लिए आई है। तो लेट स्टार्ट विद द म्यूजिक सिस्टम। सबसे पहले हम इसके अंदर कौन सा म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं। जैसे आप भाइयों को पता कि इस टाइम एंड्रॉइड का जमाना है, कोई भी अब इस टाइम नॉर्मल प्लेयर नहीं लगाता, तो इसके अंदर हम अल्फा वन कंपनी का एंड्रॉइड प्लेयर लगा रहे हैं, जिसका 2GB रैम है और 16GB इंटरनल स्टोरेज है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का यह प्लेयर है। इसके अंदर आप यूट्यूब चला सकते हो, गूगल मैप्स चला सकते हो, और जितने भी है हाई डेफिनेशन के वीडियोज आप बिल्कुल हैसल फ्री प्ले कर सकते हो। और इसके लगाने के लिए आपकी किसी तरीके की कोई वायर कटिंग नहीं होगी, टोटली प्लग एंड प्ले रहेगा। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर जो हम स्पीकर का सेटअप रख रहे हैं वो JBL कंपनी का रख रहे हैं, जिसकी 300 वाट की पीक पावर है, रेकमेंडेड बाय मारुति सुजुकी। आप देख सकते हो उसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन है। तो जो भी आप मारुति के शोरूम में जाओगे वहां पे भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये भी हम इसके अंदर लगा रहे हैं, जिसकी मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बढ़िया चीज की इसकी 75 वाट की RMS पावर है। तो फ्रंट पे हम ये 75 वाट थ्री वे वाला हम स्पीकर लगाएंगे JBL का, और रियर पे जो हम लगा रहे हैं वो 280 वाट वाला लगा रहे हैं, ये भी JBL का ही है, और इसकी जो पीक पावर है वो 70 वाट RMS है। तो ये जो दोनों स्पीकर्स का कॉम्बिनेशन, फ्रंट पे थोड़ा सा हैवी लोडेड और बैक पे थोड़ा सा नॉर्मल लोडेड ले रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ ये बेसिक वेरियंट है, तो इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग भी लग के नहीं आती, तो मैं सेंट्रल लॉकिंग भी दिखाता हूँ। भाइयों एक बार जरा सेंट्रल लॉकिंग दिखा दो, कौन सी लगा रहे हैं हम इसके अंदर। इसके अंदर हम G99 कंपनी की सेंट्रल लॉकिंग लगा रहे हैं। रिमोट दिखा दीजिए, ये G99 टॉर्क का ब्रांड है, और इसके साथ में आपको बड़े ब्यूटीफुल रिमोट मिलते हैं। एक बार रिमोट निकाल के दिखा दीजिए सतीश जी, रिमोट निकाल के दिखा दीजिए। ये हम इसके अंदर लगा रहे हैं। इसको लगाने के लिए हम किसी तरीके की आपकी वायर कटिंग नहीं करेंगे। आइए देखिए कितना ब्यूटीफुल रिमोट है। तो इसके अंदर आपको पता है मैनुअल लॉकिंग चाबी वाली आती है, बट रिमोट लॉकिंग नहीं आती। तो G99 टॉर्क का ब्रांड, हम इसकी 3 साल की वारंटी है, ये लगा रहे हैं। टोटल प्लग एंड प्ले करने वाले हैं, इसके अंदर कोई वायर कटिंग नहीं करेंगे हम आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। और साथ में इसके अंदर हम लगाएंगे अंडर सीट हमांडा, ये कस्टमर के पास पहले से बना था, तो ओरिजिनल कॉपर वायर यूज़ करेंगे। 70 मैट लगा रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये 70 वाला मैट लगाएंगे। सीट कवर कंपनी फिटेड ही मिले हैं इनको, आप देख सकते हो ये बकेट नहीं है, बट अगर आपको हमारे यहाँ पे लगाने हैं या आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें आपको प्रॉपर बकेट सीट कवर मिलेगा, इस तरीके का लूज नहीं मिलेगा। बट एनी हाउ फ्री में मिली हुई है चीज़, तो उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल इसका काफ़ी अच्छा सेटअप चल रहा है। क्रोम लाइन वाले इसके अंदर हमने डोर वाइजर लगाए हैं, और साथ में एक और ये हमने बहुत बढ़िया चीज़ लगाई है साइड प्रोफाइल पे, गाड़ी के लुक के लिए और थोड़ा सा अच्छा गेटअप के लिए और प्रोटेक्शन के लिए साइड बिडिंग। आज हमारे पास दो गाड़ियां वैगन आर रेडी हो रही है, दूसरी गाड़ी की तरफ भी आपको लेके चलता हूँ, काफ़ी सिमिलर काम हो रहा है, बट ये एक वेरिएंट ऊपर है। और इसके अंदर भी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक 70 मैट लग रहा है, और इसके अंदर भी एक रूफ रेल हमने लगा दिया है, इसके अंदर रूफ रेल लग के नहीं आती। तो आपको रूफ रेल का लुक चेक कराता हूँ कि कितना जेन्युइन लुक आ रहा है आपके रूफ रेल का। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी स्टाइल, सिल्वर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। अभी वो वाली गाड़ी के अंदर रूफ रेल लगानी है हमने, और इसमें हमने अभी लगा दिया, उसके अंदर भी लगाने जा रहे हैं। तो एक बार आपको मैं रूफ रेल का गेटअप पूरा चेक कराया था, इससे आपकी गाड़ी का जो लुक है वो बिल्कुल टॉप मॉडल वाला फिनिश आया था। तो डुअल टोन के अंदर इसके अंदर हमने रूफ रेल लगाई है, सेम एज क्रोम लाइन वाला डोर वाइजर लगाया है इसके अंदर। और इसके अंदर भी हम जो स्पीकर्स लगा रहे हैं वो JBL के लगा रहे हैं, रियर गार्ड लगा रहा है, बाइक प्रोटेक्टर इसके अंदर। इसके बेनिफिट्स में आपको हमेशा ऑलवेज बताता हूँ कि जो डेली रूटीन के आपके पीछे के स्क्रैचेस हैं वो आपके बाइक प्रोटेक्शन या बाइक प्रोटेक्टर से सेव हो जाते हैं, तो एक ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। स्पीकर्स मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर भी हमने JBL कंपनी के स्पीकर्स लगाए। एक बार स्पीकर दिखा देना जी, दिखाओ निकाल के। इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है आपका वो ओरिजिनल ऑलरेडी कंपनी फिटेड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बट ये जो म्यूजिक सिस्टम है बहुत सिंपल सा म्यूजिक सिस्टम है, आजकल के ट्रेंड के अंदर ये वाले म्यूजिक सिस्टम से आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, और इसका जो है आपको सिर्फ एक इतना ही बेनिफिट मिलता है कि आप इसमें सिर्फ FM चला सकते हो। तो इसके अंदर हम लगा रहे हैं सेम वही कॉम्बिनेशन में JBL के स्पीकर्स, 300 वाट के 75 वाट RMS में। इसमें आगे फ्रंट पे स्पीकर्स लग के आए हैं कंपनी फिटेड, और पीछे रियर पे हम स्पीकर्स लगा रहे हैं। तो इस गाड़ी का भी इसमें सेंट्रल लॉकिंग लग के आई है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होना है। एक बार ये देखिए इसके अंदर हमने जो स्पीकर्स लगाए हैं JBL कंपनी के लगाए हैं, कितने बढ़िया स्पीकर है ये। और इसको लगाने के लिए हमने टोटली कपलर्स यूज किए हैं। 300 वाट इसकी पीक परफॉर्मेंस है, 75 वाट RMS है,
तो फ्रंट पे हमने जो स्पीकर्स कंपनी से लग के आए थे उसको हमने पीछे शिफ्ट कर दिया, और जो यहाँ पे हमने JBL के स्पीकर्स लगा दिए ताकि एक अच्छा सराउंड मिल जाए, क्योंकि कंपनी फिटेड स्पीकर्स होते हैं उसमें इतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलता। तो दो वैगन आर का आज हमारे पास सेटअप चल रहा है, एक वैगन आर ये है आपकी, ये सेकंड वेरिएंट है और ये बेस वेरिएंट है। इस गाड़ी के अंदर भी हमने पीछे आपका रियर गार्ड, साइड बीडिंग और अभी व्हील कवर जिसमें लगने हैं उसमें आप देख सकते हो व्हील कवर रखे हैं, इसमें व्हील कवर, इसमें भी बाइक प्रोटेक्टर लगाया है। ये गाड़ी की सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया एक्सेसरी है। पहले मैंने आपके लिए व्हील कवर्स निकाल दिए हैं, आप जरा चूज कर लीजिए। बाकी ओवरऑल आपको काम कैसा लग रहा है? हाँ जी, बढ़िया काम, बहुत बढ़िया है। ओके, अच्छा, और चीजें आपको ब्रांडेड लग रही है हमारी? बिल्कुल बिल्कुल ब्रांडेड है, स्पीकर्स देख लीजिए, JBL के लगे हुए हैं, टच स्क्रीन देख लीजिए, आप अल्फा के हम लगवा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपको सारे प्रोडक्ट में हम प्लग एंड प्ले करके देंगे और 1 ईयर की वारंटी मिलेगी आपको। वारंटी इन्होंने यहीं पे साइट पे बोली, बिल्कुल। आपको कोई भी प्रोडक्ट में अगर कमी पेशी आती है तो आप डायरेक्टली हमारे स्टोर पे आ जाइए, कोशिश करेंगे कि हम उसको रिप्लेस कर दें, अदरवाइज हम उसको आपको जल्दी से जल्दी कंपनी से सर्विस करा के यहीं पे अपने काउंटर से ही रिप्लेस करके देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये है हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका, मैं हमारे कस्टमर का जो मैं आपके साथ में हमेशा शेयर करता हूँ, बिकॉज नथिंग इज स्क्रिप्टेड। इफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब, इफ यू आर डूइंग अ गुड वर्क, तो आपको कोई चीज़ किसी को बताने की या दिखाने की जरूरत पड़ती है बस। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर हम व्हील कवर्स कौन से लगा रहे हैं। ये व्हील कवर्स हम इसके अंदर लगा रहे हैं बिल्कुल अलॉय व्हील टाइप के लुक के। दूसरी ऑप्शन में आपको मैं दिखाता हूँ, निकालना जरा उसको बात। दूसरी ऑप्शन ये है, ये दो तरीके के हम इसके अंदर व्हील कवर्स का ऑप्शन रख रहे हैं, ये दूसरी ऑप्शन है। तो दोनों गाड़ियाँ जो हमारी आज जो आपको हम वैगन आर का पूरा फुल मॉडिफिकेशन और सेटअप दिखा रहे थे अब कंप्लीट हो गई है। तो एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने लगाई हैं। साइड प्रोफाइल में मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि हमने बहुत बढ़िया क्वालिटी के व्हील कवर्स लगाए हैं और काफ़ी अच्छा लुक है। साइड बीडिंग मैंने आपको दिखाई थी, व्हील कवर का भी लुक मैं आपको चेक करा था तो काफ़ी अच्छा लुक आ गया। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है गाड़ी के अंदर एक अच्छे लुक के लिए, व्हील कवर ज़रूर लगाया जाता है। साइड बीडिंग भी एक प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छी ज़रूरी चीज़ है। डोर वाइजर से लुक आया था और अब इस गाड़ी के अंदर भी हमने रूफ रेल ऐड कर दिया है जो कि पहले नहीं ऐड थी, क्योंकि इससे जो है गाड़ी का लुक जो है वो बहुत बढ़िया आ जाता है। आप देख सकते हो उस गाड़ी में लगाने के बाद भैया को लगा कि हमें इस गाड़ी में भी लगानी चाहिए, तो इसके अंदर भी हमने रूफ रेल लगा दिए। तो दोनों गाड़ियों में रूफ रेल का बहुत ज़बरदस्त सेटअप हुआ है। बैक पे मैंने आपको दिखाया था कि हमने इसमें लगाया है बैक बाइक प्रोटेक्टर, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, गाड़ी की लुक को भी इन्हांस कर देती है और साथ में सेफ्टी के लिए भी बम्पर के स्क्रैचेस को बचा लेती है। कैमरा देखिए हमने यहाँ पे लगाया, कितना बढ़िया तरीके से, बाहर कहीं पे विजिबल नहीं है, आप देखिए दूर से कहीं पे आपको दिखेगा नहीं कैमरा लगा हुआ है, तो कोई भी कैमरे से छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से कैमरा लगा दिया हमने इसके लिए। तो ये था हमारा बाहर का सेटअप, अब अंदर भी एक बार हम चलते हैं कि जो हमारा म्यूजिक का सेटअप है वो देखते कैसा हुआ है। और ये दूसरी गाड़ी भी जो है वो बिल्कुल रेडी है, व्हील कवर इसमें कंपनी फिटेड आए हैं, साइड फिटिंग हमने लगाई है, रूफ रेल मैंने आपको दिखाया हमने लगाई है, पीछे इसके अंदर JBL के स्पीकर्स लगाए हैं। तो मेन ज़्यादा काम इस गाड़ी के अंदर हुआ, तो इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। अंदर जो हमने दोनों गाड़ियों के अंदर लगाए हैं बहुत बढ़िया 70 मैट लगाए हैं, आप देखिए बिल्कुल अंदर तक इसकी यहाँ पे फिटिंग आती है, यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी सेफ्टी मिल जाती है, जो मिट्टी है नहीं जाएगी। और अंदर आप ये देखिए बिल्कुल पूरा H2H फिटिंग हो गई है मैट की, ये प्रॉपर 70 मैट जो हैं वैगन आर के लिए हैं, लेटेस्ट वाली पुरानी वैगन आर के नहीं है, नई वाली वैगन आर के बिल्कुल एक एक चीज़ अपनी जगह पर पूरी तरीके से फिट है। और इसके ऊपर ये ग्रास है जो कि आप इस ग्रास को रिमूव कर सकते हो, इसमें ये टच बटन वाला फंक्शन होता है, ये देखिए ये ग्रास रिमूव हो गई और इसको आप वापस लगा दो। तो ये मैट भी इसके अंदर हमने बहुत बढ़िया लगाया, पूरा इसके अंदर देखिए आप पूरा सेटअप है। तो फ्रेम जो हमने इसके अंदर यूज किया है मैं आपको उसकी पूरी अच्छे से फिनिशिंग दिखा देता हूँ, बिल्कुल इंटैक्ट एक एक जगह से बहुत बढ़िया तरीके से फिट है, किसी तरीके का कोई गैप नहीं है, डैशबोर्ड में लगाने में फिट करने में किसी तरीके के कोई निशान नहीं है। और ये इम्पोर्टेड फ्रेम है, देसी लोकल फ्रेम हमने इसके अंदर नहीं लगाया, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि फ्रेम की क्वालिटी क्या है। अब एक बार इसकी म्यूज़िक की क्वालिटी भी अभी सुनते हैं हम। JBL के इसके अंदर हमने स्पीकर लगाए हैं फ्रंट के अंदर 75 वॉट RMS वाले और बैक पे 70 वॉट के, तो एक बार साउंड क्वालिटी सुनते हैं कैसी आ रही है। Through the highways and on we'll go. Through the wastelands, through the highways and on.
क्लच दबा के रिवर्स गियर डाल दीजिए। मैं आपको कैमरे की क्लैरिटी भी दिखाऊंगा कि कैमरे की नाइट में भी कितनी ज़बरदस्त क्लैरिटी, आप देखिए बिल्कुल कितना वाइड एंगल है और पूरा आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी। इस टाइम आप देख सकते हो बाहर अंधेरा है, रात हो गई है, बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ आपको दिख रहा है और इसके अंदर आप कैमरे की क्लैरिटी देखिए, वाइड एंगल देखिए, ये गाड़ी देखिए, हम यहाँ खड़े हैं और वो परली साइड की आपको वैगन आर इसके अंदर कितनी अच्छे से क्लैरिटी क्लियर दिख रही है। तो ये वाइड एंगल कैमरा है और साथ में ये मूविंग लाइन भी है। न्यूट्रल कर दीजिए। तो ये है हमारा आज का पूरा ओवरऑल बहुत बढ़िया सेटअप इस वैगन आर नई वली के अंदर, लेटेस्ट वैगन आर, न्यू वैगन आर 2021। बहुत बढ़िया सेटअप, अच्छा रहा, दो गाड़ियां एक साथ हमने रेडी करी और भैया अब आप पूरा अपना काम करा के जा रहे हैं तो एक बार फाइनल उनसे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। भैया जी, ओवरऑल आज आपका डे हमारे साथ में कैसा रहा? बहुत बढ़िया दिन था, आई गेस आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ओके, सारा काम बहुत ही अच्छे से हुआ है एंड आई गेस हर चीज पे प्राइस बहुत रीजनेबल है जी, और अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी गुड। ओके, सो आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी एंड आई गेस आई एम गोना कम अगेन हियर। ओके, मतलब इट्स टोटली अ वर्थ स्पेंडिंग एंड वर्थ कमिंग हियर एट स्काईकार। डेफिनेटली। ओके, ये हमारे भैया का जेन्युइन रिव्यू था। तो भाइयों, आपसे अब हम अलविदा लेते हैं। आज ये बहुत बढ़िया सेटअप रहा फॉर द न्यू वैगन आर, दो एक साथ। तो थैंक यू भाइयों, अगर आपके पास वैगन आर है तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा, बहुत बहुत आपका वेलकम है। अगर आप अपनी गाड़ी का सेटअप कराना चाहते हो तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हम आपको देंगे। थैंक यू भाइयों, टेक केयर एंड लव यू।